हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जोडियाक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे लीब्रास के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट लीब्रा, आपको ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। सो इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे लीब्रा आपका यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। उसके बाद आपका लव सिचुएशन, आपका करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। November 1st से November 15th के लिए होगा ये रीडिंग। एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में या फिर इस रीडिंग में जो भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा, वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट लीब्रा। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या है, यू नो, November 1st टू November 15th के लिए 2021 स्पिरिट। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइडेंस मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वाओ, रेनबो एंड ब्लेसिंग्स। सो डेफिनेटली रेनबो, ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। डेफिनेटली लीब्राज, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपके लिए कुछ यू नो कन्फ्यूजन्स दूर हो रहा है। यूनिवर्स आपको दो हाथ से कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। समर सोलस्टिस रेडियंस, वाओ, दिस इज़ लाइक द सन एनर्जी। स्टार्टिंग में बहुत ही पॉजिटिव है आपके कार्ड्स लीब्रा, ब्यूटिफुल एनर्जी। आई कैन सी क्लैरिटी या म्यूजिक हार्मनी। आई थिंक फाइनली लीब्रा, आप अपने लाइफ में खुश हो, आप कंटेंट हो, आपको लग रहा है नवंबर में दैट हाँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ या जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, या एटलीस्ट आप इतना कह सकते हो दैट आप खुश हो, आप यू नो आप ग्रेटफुल हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, मैं जहाँ पे भी हूँ अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ, ठीक है। आई कैन डेफिनेटली सी स्टार्टिंग में ही दैट बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं नवंबर में आपके लिए। मे बी गुड न्यूज़ आ रहा है, मे बी आपको आपने कुछ एग्ज़ाम वगैरह दिया है जिसका रिजल्ट आ रहा है। वट एवर दिस इज़, आई कैन सी अ बहुत सारा गुड न्यूज़ एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सिचुएशन में। आई एम ऑल्सो हियरिंग इमोशंस, सो मे बी इन नवंबर में आप कई सारे इमोशंस को फील करोगे जो आपने पहले कभी फील नहीं किया था। यू नो, मे बी आप चैरिटी वर्क कर रहे हो, मे बी आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, मे बी आप बहुत थैंकफुल फील कर रहे हो, मे बी आप अपनी खुशियाँ को किसी और के साथ बांट रहे हो, आप शेयर कर रहे हो। सो आई कैन सी दैट आप खुद भी खुश हो, आप लोगों को भी खुश कर रहे हो, गुड न्यूज़ आ रहा है या आप किसी को गुड न्यूज़ दे रहे हो। सो ओवरऑल आप काफ़ी यू नो सैटिस्फाइड हो लीब्रा, सैटिस्फाइड फील कर रहे हो विद दिस रेडियंस एनर्जी। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे कुछ क्लैरिटी वगैरह आ रहा है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में जो आप कन्फ्यूज्ड थे, जो आपको लग रहा था यू नो इतने सारे ब्लैक क्लाउड से आपके सर के ऊपर, आपको समझ में नहीं आ रहा है रियलिटी क्या है, यू नो क्या नहीं है, बट फाइनली आपके पास वो क्लैरिटी है दैट हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है वॉट इट इज़। आई एम ऑल्सो हियरिंग मैच्योरिंग। सो आप काइंड ऑफ मैच्योर कर रहे हो, आपके फीलिंग्स मैच्योर कर रहे हैं दैट यू नो कौन से सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, कैसा नहीं, ठीक है। देर इज़ दिस ब्यूटिफुल एनर्जी जहाँ पे आई कैन सी दैट आपके जो गाइड्स हैं वो काइंड ऑफ आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी गलत डिसीजन लेने के लिए। एंड आई ऑल्सो फील दैट आप नवंबर में काइंड ऑफ अपने जो लाइफ पर्पस है उसके तरफ मूव कर रहे हो। आप नवंबर में गलत डिसीजंस नहीं ले रहे हो या आपको गलत लोग आपके आसपास नहीं हैं, अगर है भी आपको पहले से ही पता चल रहा है दैट यू नो कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। सो आप वो गलती दोबारा नहीं कर रहे हो जो आप यू नो पहले करते थे या यू नो आप रिग्रेट करते हो अगर आपको कुछ अफसोस है। विद दिस म्यूजिक हार्मनी आई कैन डेफिनेटली फील कंटेंटमेंट इज़ द वर्ड। आप काइंड ऑफ सैटिस्फाइड हो, आप काइंड ऑफ
हार्मनी में हो, आपको काइंड ऑफ एक डिरेक्शन मिल रहा है, दैट आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ लाइक अ कपल एनर्जी यहाँ पे. सो मे बी आपकी शादी होने वाली है, मे बी आपको शादी के लिए ब्लेसिंग्स मिल रहा है, या फिर आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं. सो यहाँ पे जो भी हो रहा है लीब्रा, आई कैन सी दैट आपको फील हो रहा है एज इफ आप कंप्लीट हो, चाहे वो किसी और पर्सन के लिए, चाहे वो किसी गुड न्यूज़ के लिए, चाहे वो बस आपके लाइफस्टाइल के लिए. आप जैसे जी रहे हो, आप जो कर रहे हो, उससे आप खुश हो, सैटिस्फाइड हो. सो लीब्राज, आई थिंक नवंबर जो है आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू हुआ है, जहाँ पे आप बैलेंस फील कर रहे हो, आप एक अच्छे मूड में हो, आप काइंड ऑफ प्रोडक्टिव हो, आप अपना काम बहुत आसानी से कर रहे हो, ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं है, काइंड ऑफ ब्लेस्ड, यू नो, एट पीस आप फील कर रहे हो. ठीक है, कि शांति है, सैटिस्फैक्शन है. ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर गए लाइफ में एंड कुछ बचा नहीं है, वो वाला फीलिंग नहीं, बट सैटिस्फाइड मतलब आप इस टाइम पे जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप खुश हो. ठीक है, अगर इस वक्त आप ऐसे फील नहीं भी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप नवंबर में करोगे, बिकॉज ये आपका नवंबर रीडिंग है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन. जो टाइम स्टैम्प्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज आई ऑलरेडी सेड. सो अगर आप कुछ वीडियो स्किप करना चाहते हो, या आप कुछ पोर्शन डायरेक्टली देखना चाहते हो, आप वो कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से. लेट्स सी लिब्राज इन लव स्पिरिट फॉर नवंबर 1st to 15th. लिब्राज इन लव, वाओ, 3 of cups, डेफिनेटली. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिस इज़ लाइक आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, या आप आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, स्पेशली जो लोग स्पेशली जो लोग सिंगल हो लिब्राज, आपके पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं, या आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का नज़र है. यू नो, ये लोग मे बी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या आपको प्रपोजल्स भेजना चाहते हैं. बट आई फील लिब्रा, आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो, एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ अनसैटिस्फाइड हो. आपको लग रहा है दैट आपके जो सोलमेट है, या आपके लिए जो पर्सन बने हैं, या आपको जो पर्सन मैच करेंगे, आप काइंड ऑफ उस पर्सन के इंतज़ार में हो. ठीक है, आप बाकियों को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, आप बाकियों को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो. बट लिब्रा, आई थिंक नवंबर में काफ़ी सारे लोग आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, जैसे भी हो, क्यों ना. ये लोग मे भी कोशिश करेंगे आपकी फ़ोन नंबर लेने की, या आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की, या आप मे भी पार्टीज़ में जा रहे हो, सोशल गैदरिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप नए लोगों से मिल रहे हो. सो ओवरऑल ये जो मंथ रहेगा लिब्राज आपके लिए, आई थिंक बहुत ही सोशल, बहुत ही फन टाइप का एनर्जी है, जहाँ पे यू नो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, एंड यू नो, लोग आपका अटेंशन मांग रहे हैं, लोग काइंड ऑफ अटेंशन सीख कर रहे हैं आपसे. बट आई फील कुछ लिब्राज के लिए यहाँ पे, अगर आप किसी सिचुएशन से ऑलरेडी डील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो कि क्या इस सिचुएशन को ड्रॉप कर देना चाहिए, या क्या इस सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या ये पर्सन ही मेरे सोलमेट है, या मेरा कोई और सोलमेट है. सो आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो. ठीक है, आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो. कुछ लोगों के लिए आप अपने करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, आपको काइंड ऑफ मन है कि इस कनेक्शन को ड्रॉप कर देने का, इस कनेक्शन को एंड कर देने का, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है दैट ये जो भी पर्सन है, ये आपके सोलमेट नहीं है, ये पर्सन आपको समझते नहीं है, या इस पर्सन के साथ आप वो एनर्जी फील नहीं कर पाते हो जो आपको लगता है आप इस पर्सन को देते हो. सो इक्वल गिव एंड टेक आप फील नहीं करते हो इस पर्सन के साथ. ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली फील आप इंतज़ार में हो अपने सोलमेट का, आप सामने देख रहे हो, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, ब्यूटिफुल. बट लिब्रा, एट द सेम टाइम आई थिंक आप सोशलाइज कर रहे हो, आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, मिल रहे हो, सब कुछ सही है. एट द सेम टाइम आप ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ फिर भी सीक्रेटिव हो, आप काइंड ऑफ फिर भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं आप देखना चाहते हो दैट आपके लिए जो परफेक्ट पर्सन होंगे वो कहाँ है, या अगर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ उस पर्सन का पेशेंस लेवल टेस्ट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, इस पर्सन का क्या एक्शन है दैट
मैं ये मान लूँ दैट ये पर्सन परफेक्ट है, ये पर्सन अच्छे हैं एंड ये पर्सन मुझे हमेशा खुश रखेंगे. सो आप इसे थोड़ा सा सेल्फिश भी मान सकते हो, बट मुझे ये सेल्फिश नहीं लगता है. मुझे ये लगता है आप काइंड ऑफ पेशेंट हो, आप काइंड ऑफ टाइम लेके काम कर रहे हो, डिसीशंस ले रहे हो जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल होना ही चाहिए, नॉर्मल है. ठीक है, सो लेट अस सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज़ है. जो लोग किसी से डील कर रहे हो लिब्रास, आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज़ है. फॉर माय लिब्रास हियर, आपकी पर्सन की एनर्जीज़ क्या है. ओके, थ्री ऑफ वॉन्स. आई थिंक ये पर्सन भी किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं आपके साथ. इस पर्सन को लगता है दैट आई एम हियरिंग इस पर्सन, ये पर्सन आपके किसी प्रॉमिस का वेट कर रहे हैं. एट ऑफ कप्स. ओके, आई फील ये पर्सन को भी लगता है दैट आप इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं हो, या फिर इस पर्सन को टू ऑफ वॉन्स, इस पर्सन को काइंड ऑफ मूव ऑन करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी स्टक है आपके ऊपर. एट द सेम टाइम आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हैं मूव ऑन करने का, डिसाइड कर रहे हैं सामने देखने का, आगे बढ़ने का, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कुछ प्रोमिसज अधूरी रह गई हैं. यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या आप इस पर्सन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपका था वो इस वक्त और नहीं रहा, या फिर आपने अपना माइंड चेंज कर लिया. सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको दोष दे रहे हैं या ये पर्सन आपको बुरा सोच रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट यू नो ये पर्सन अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं. इस पर्सन को लगता है इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है, इन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है या बहुत एफर्ट्स लगाया है, जो सच हो सकता है, जो झूठ हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन काइंड ऑफ अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं आपके कनेक्शन में. ये पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, बट हाँ मूव ऑन किए नहीं है बिकॉज ऑफ द टू ऑफ वॉन्ड्स. आई स्टिल फील दैट ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपके एनर्जी से. कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में आज भी एक छोटा सा ही सही बट एक होप है दैट यू नो लिब्रा वापस आएगा, या मेरा और लिब्रा का कुछ होगा फ्यूचर में, शायद कभी ना कभी, अगर डेस्टिनी ने चाहा तो, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो. सो ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट अभी तक इन्होंने पूरा मूव ऑन नहीं किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अभी भी होपफुल है दैट आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है फ्यूचर में. ठीक है, इस वक्त इस पर्सन का जो मेन फोकस है वो इनके फाइनेंशियल या करियर सिचुएशन के ऊपर है, उनके फैमिली के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है. ठीक है, आई कैन सी हियर दैट ये पर्सन आज भी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं या आपको मिस करते हैं. सो ये पर्सन अगर आपके कोई पास्ट पर्सन है, ये डेफिनेटली आपके साथ एक सेकेंड चांस चाह रहे हैं. एंड अगर इस पर्सन से आप ऑलरेडी इस वक्त डील कर रहे हो, आई थिंक ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच में एक क्लैरिटी रहे, या फिर यू नो आप थोड़ा सा और ओपन रहो इस पर्सन के लिए. अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, आई थिंक आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत सीक्रेटिव हो, यू नो आप चीज़ें बताते नहीं हो, या आप इस पर्सन को एकदम क्लोज नहीं आने देते. यू नो आप एक जगह पे आके इस पर्सन को फील होता है दैट यू नो इस हद के उस पार लिब्रा यू नो मुझे लिब्रा समझ में नहीं आता, लिब्रा मुझे सब कुछ बताता है, लिब्रा मुझे यू नो सपोर्ट करता है, सब ठीक है, बट लिब्रा का एक साइड है जो मुझे आज तक नहीं पता, लिब्रा का एक साइड है जो लिब्रा कभी मुझे बताता नहीं है, शो नहीं करता है. सो उस चीज़ से इस पर्सन को काफ़ी क्यूरियोसिटी है. इस पर्सन को लगता है ये आपके लाइफ में तो है या थे, बट ये कभी 100% आपको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए. आपका कोई एक ऐसा साइड है, कोई एक ऐसा आपके मन में ऐसा कोई जगह है जहाँ पर ये पर्सन पहुँच नहीं पाए. ठीक है, सो वो एक यू नो सिचुएशन है जो इस पर्सन को लगता है हेजिटेट होता है. सो मे बी आपको भी ऐसा लगता हो, मे बी नहीं लगता हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन काइंड ऑफ उस जगह पे है जहाँ पे वो थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं एंड थोड़ा सा वो पीछे देख रहे हैं, पुराने यादों को ताज़ा कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं. ठीक है, एंड That is what I feel, Libra. And अगर ये person के साथ आप contact में हो, I think ये person चाहते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा सा और close हो जाए, आप इनसे you know इनके साथ और secrets share करें, या
इस पर्सन को ऐसा फील करवाए दैट यू नो कि इस पर्सन को 100% पता है सब कुछ, या ये पर्सन आपको समझते हैं और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो मैं अगर जोडियाक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है पाइसीज एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी, लीब्रा एनर्जी, कैंसर एनर्जी. ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव टू योर करियर सिचुएशन लीब्राज फॉर नवंबर, एंड देखते हैं, वाओ, एंड देखते हैं आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर नवंबर 2021. ओके, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय लीब्राज स्पिरिट फॉर नवंबर 2021. नाइन ऑफ वॉन्स एनर्जी लीब्रा, इनजस्टिस मुझे सुनाई दे रहा है, इनजस्टिस. कुछ लीब्राज को ऐसा लगता है आपके काम के वहाँ पे, या आपके काम के वहाँ पे, या आपके स्कूल कॉलेज ऑफिस जहाँ पे भी हो, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या आपको आप जो डिज़र्व करते हो, जो रिवॉर्ड, जो अप्रिसिएशन, या जो भी है सक्सेस, वो आपको मिला नहीं है. सो आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, या द हैंग्ड मैन, द सन एनर्जी, वन मोर स्पिरिट, पेज ऑफ वॉन्स. ठीक है, ओके, मुझे जो फर्स्ट एनर्जी मिला आपके इस करियर सिचुएशन से वो है प्रोटेस्ट. ठीक है, आई कैन सी कुछ लीब्राज यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट जो आपके साथ हुआ है, आपके काम के वहाँ पे, आपके पढ़ाई के वहाँ पे, जहाँ पे भी आप फाइनेंसेस एंड करियर से रिलेट कर पाते हो, जहाँ पे. सो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मे बी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, या आप जस्टिस मांग रहे हो किसी से, अपने बॉस से, अपने कलीग से, या आप अपने काम के वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर रहे हो. ये फैमिली भी हो सकती है दैट आपकी फैमिली ब्लॉकेजेस डाल रही है आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, या फिर आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, फ्रेंड्स ब्लॉकेज डाल रहे हैं, एंड आप उन सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए यू नो आवाज़ उठा रहे हो लीब्राज. कुछ लोग, ठीक है, नॉट एवरीबडी बट सम ऑफ यू. I can see here that इस महीने नवंबर में लीब्रा आप थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस को फेस कर सकते हो, आप थोड़े बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे दैट यू नो आपने मेहनत तो किया बट उस हिसाब से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, आपने मेहनत तो किया बट उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला या मार्क्स नहीं मिला. आई एम नॉट सेइंग कि आपको मिलेगा ही नहीं, आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है, बट आपको जो एक्सपेक्टेशन था, अगर आपका एक्सपेक्टेशन था आपको मे बी 95 मिलेगा, मे बी वहाँ पे आपको 85 मिल रहा है. सो वो जो एक एक्सपेक्टेशन था वो मे बी आपका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. ठीक है, बट डोंट वरी, इसको सीरियसली मत ले लेना या नेगेटिवली मत ले लेना. आई एम जस्ट सेइंग कि आप नवंबर में थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस को फेस कर सकते हो, ब्लॉकेजेस आपके सामने आ सकती है, चाहे वो दूसरे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो आपका आपको लगे आपकी किस्मत हो, चाहे वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, रोज़ का जो इश्यूज़ है वो हो सकता है, हेल्थ इशू वगैरह वगैरह. सो आई कैन सी दैट यूनिवर्स बेसिकली आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट करेगा. आपके ऑल थ्रू आपके रीडिंग में पेशेंस का एक एनर्जी था कि आप कितने पेशेंट हो, आप कितने यू नो टाइम से आप वेट कर सकते हो अपने सक्सेस के लिए, या अपने मेहनत के लिए, या आप क्या डिज़र्व करते हो उसके लिए. बट आई कैन सी हियर दैट ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिल रहा है विद दिस एनर्जी. आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिल रहा है अपने पेशेंस के लिए, अपने जो भी किया है वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. कुछ लोगों को ये मिलेगा किसी प्रोटेस्ट के बाद, किसी आवाज़ उठाने के बाद, एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा डीले है आपके सिचुएशन में, बट ऐसा नहीं है आपका सक्सेस दूर है, ऐसा नहीं है. छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आएंगे बट आई थिंक उसको ओवरकम भी किया जा सकता है, या थोड़ा सा वेट और कर सकते हो. सो आप जिस हिसाब से सब कुछ सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उस हिसाब से ही सब कुछ हो या वैसे ही आपको यू नो अपना सक्सेस मिले. आपको सक्सेस किसी भी जगह से कैसे भी मिल सकता है, आपको शायद समझ में भी ना आए.
सो वो चीज़ आपको याद रखनी है लिब्रा. सेवन ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ वॉन्स, या सो बेसिकली आपको थोड़ा सा और किसी सिचुएशन के वजह से आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है या फाइट करना पड़ सकता है. अगर आप ठीक है, अगर आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हो, अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है एंड यू नो किसी इंसान के लिए, या आप यू नो अगर आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो फिर भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, देन वो आपकी गलती है. ठीक है, बिकॉज़ ये टाइम नहीं है कि आप नेगेटिविटी को पकड़ के जिए या फिर आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाए, आप नेगेटिव सोचने लगे एंड आप बस रिग्रेट करते रहे कि ये नहीं हुआ, ये हो सकता था, ये होना चाहिए था, ऐसा वैसा हज़ार चीज़ें आप सोचने लगे. ठीक है, ये टाइम नहीं है कि आप ये सब करें. ये टाइम है दैट इधर नंबर वन आप प्रोटेस्ट करें, नंबर टू आप आवाज़ उठाएं अपने लिए, नंबर थ्री या तो आप वेट करें, पेशेंस रखें, जो भी ब्लॉकेजेस है उसका सामना करें, ना ही उससे भागे. ना ही ब्लॉकेज है तो नेगेटिव हो जाए, ब्लॉकेज है तो छोड़ दो, कुछ और देख लेते हैं, ब्लॉकेज है तो और नहीं झेल सकते, भाग रहे हैं इमोशन से, भाग रहे हैं ब्लॉकेजेस से, नहीं उसको करने से और भी डिलेज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा. फेस करो, अगर प्रॉब्लम है सामना करो उसके, यू नो ओवरकम करो प्रॉब्लम को, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम इम्पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, हर एक प्रॉब्लम पॉसिबल है ओवरकम करना, एंड उसको फेस करो लिब्रा. प्रोटेस्ट करो, आवाज़ उठाओ, करो, एक्शन लो, डोंट सिट अराउंड. अगर आपको लग रहा है नहीं ये मेरे हाथ के अंदर नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर आप वेट करो, फिर आप पेशेंस रखो, मेहनत करो या कुछ और सोचो उस टाइम पे जब तक आपको वेट करना पड़ रहा है. बट अदरवाइज इट इज़ योर टाइम एंड आप ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा. ठीक है, अगर आप बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा. डीले है मतलब डिनाइड नहीं है, डीले हो सकता है मतलब ये नहीं है कि मिलेगा ही नहीं. मे बी दूसरे लोगों को पहले मिल रहा है, आपको बाद में मिलेगा. मे बी किसी को यू नो 20 साल में नौकरी मिलती है, किसी को 25 में, किसी को 30 साल में. इसका मतलब ये नहीं कि जिसको 30 साल में मिल रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कभी पैसे वाला आदमी नहीं बन सकता, ये तो नहीं है ना. सो नेगेटिव नहीं होना है, डोंट गेट क्लोज्ड ऑफ, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, यू नो कीप वर्किंग हार्ड, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व लिब्रास. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके, यू नो रेजोनेट करेगा मोर स्पेशली. सो अगर ये रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.